डीएम के टेस्ट में फेल हो गई एम्बुलेंस, 11 मिनट हुई लेट, नाराज हुए जिलाधिकारी ने कर दी ये कार्रवाई, बन गया माहौल। डीएम की जांच में सरकारी 108 नगर एम्बुलेंस फेल हो गई। बुधवार दोपहर सीएम डैशबोर्ड की बैठक में डीएम ने एम्बुलेंस का वास्तविक रिस्पांस टाइम चेक करने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई तो उसे कलेक्ट्रेट पहुंचने में आधे घंटे का समय लग गया। इस पर नाराजगी जताते हुए एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी को नोटिस जारी करने और अग्रिम आदेश तक भुगतान रोकने के आदेश दिए गए हैं। डीएम की जांच में सरकारी 108 नंबर एम्बुलेंस फेल हो गई। बुधवार दोपहर सीएम डैशबोर्ड की बैठक में डीएम ने एम्बुलेंस का वास्तविक रिस्पांस टाइम चेक करने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई तो उसे कलेक्ट्रेट पहुंचने में आधे घंटे का समय लग गया। इस पर नाराजगी जताते हुए एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी को नोटिस जारी करने और अग्रिम आदेश तक भुगतान रोकने के आदेश दिए गए हैं। दुर्घटना या आपराधिक वारदात के समय बुलाने पर एम्बुलेंस के समय पर न पहुंचने की शिकायतें आती रहती हैं। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बैठक में डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान इन शिकायतों को संज्ञान में लिया। उन्होंने वास्तविकता पता करने के लिए बैठक में ही एम्बुलेंस बुलवाई। उनके अर्दली जयचंद ने दोपहर 12:45 पर 108 पर फोन कर बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में एक मरीज है, उसे अस्पताल पहुंचाना है। फोन पर कई तरह की जानकारी ली गई। ये पूछा गया कि मरीज को बीमारी क्या है। एम्बुलेंस चालक ने भी फोन कर लोकेशन पूछी। इसके बाद एम्बुलेंस 1:15 पर कलेक्ट्रेट पहुंची। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें बताया गया था कि जिले में एम्बुलेंस का मौके पर पहुंचने का औसतन समय 19 मिनट है। एम्बुलेंस इससे भी 11 मिनट देरी से आई है।